चलो मनीष हो गए रीवा का केंद्रीय जेल आए दिन सुर्खियों में रहता है। कभी मादक पदार्थों की सप्लाई तो कभी जेल प्रशासन पर आरोप तो कभी राजनेताओं के संरक्षण में अपराधियों की सेवादारी। एक बार फिर केंद्रीय जेल और संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल विगत दिनों सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ के ऊपर हमला करने वाले 4 अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला उछला था। इसके कुछ ही दिन बाद आरोपी सिद्धार्थ शुक्ला उर्फ सिद्धू को जेल से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। वहीं दूसरी बार एक बार फिर केंद्रीय जेल प्रबंधन और संजय गांधी अस्पताल सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में करोड़ों के हुए घोटाले में टीआरएस कॉलेज के पूर्व 3 प्राचार्य को जेल भेजा गया। जेल पहुंचते ही प्राचार्यों की तबीयत खराब होना शुरू हुई और सतीन शर्मा को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि न्यायालय के आदेश पर जब आरोपियों का जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण होता है तो पूर्णतः वह फिट पाए जाते हैं और जैसे ही केंद्रीय जेल गेट के अंदर पहुंचते हैं तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें पहले ही दिन जेल के अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और कुछ दिन बाद संजय गांधी अस्पताल रेफर किया जाता है, जहां कैदी वार्ड में आराम से जमानत मिलने का इंतजार करते हुए समय काटते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट क्या केंद्रीय जेल के अंदर तैनात चिकित्सक नहीं मानते? अगर नहीं मानते हैं तो केंद्रीय जेल के चिकित्सकों के रेफर करने पर संजय गांधी अस्पताल में इन आरोपियों को क्यों भर्ती किया जाता है? स्पष्ट है, यह सभी जानते हैं कि अपराधी भ्रष्टाचारी वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए पैसे और पहुंच के दम पर अन्य कैदियों के साथ बैरंकों में ना रहना पड़े इसके लिए बीमारी का बहाना बनाते हैं। इसके लिए खासा लंबी रकम और सोर्स लगाई जाती है। बताया तो यह भी जाता है कि शीघ्र ही अन्य दोनों प्राचार्य भी बाहर संजय गांधी अस्पताल में शिफ्ट होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो पहले दिन ही केंद्रीय जेल पहुंचते ही अस्पताल पहुंचा दिए गए थे और अब एक एक करके संजय गांधी अस्पताल के सर्व सुविधा युक्त वार्ड में समय काटेंगे। हालांकि चर्चा यह भी है कि ईओडब्ल्यू शीघ्र ही दूसरा चालान भी पेश कर सकती है, जिसके 16 अन्य आरोपी भी केंद्रीय जेल जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 15 फर्म भी शामिल हैं जिनके संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और वह भी इन्हीं आरोपियों की तरह जेल जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रसूखदारों को नाम के लिए जेल भेजा जाता है, लेकिन अपराधी जेल के अंदर पहुंचकर ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती होते हैं, जहां इनके चाटुकार चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है। क्या न्यायालय को ऐसे मामलों में स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि जब न्यायालय के आदेश पर मेडिकल होता है तो अपराधी फिट पाए जाते हैं और केंद्रीय जेल के अंदर पहुंचते ही कैसे अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं? आपको बता दें कि कई गरीब कैदी उपचार के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, समय पर उपचार नहीं मिल पाता, मृत हालत में जेल अस्पताल से संजय गांधी अस्पताल रेफर किए जाते हैं। लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचारी जेल और अस्पताल को अपना चारागाह बना दिया है। सत्येंद्र शर्मा प्राचार्य है, जेल में थे, उन्हें भर्ती कराया गया है। क्या बीमारी है सर, कब से भर्ती है ये अस्पताल? देखिए, कल दोपहर में 3:30 बजे मरीज जो है सत्येंद्र शर्मा, सालिग्राम शर्मा पिता का नाम है, सेंट्रल जेल रीवा से लाए गए हैं प्रिजनर के रूप में और इनको पुलिस वाले ही लेके आए हैं। इनको कुछ मेडिसिन से संबंधित बीमारी थी, जिसके चलते हमारे मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने देखा और इनको भर्ती की सलाह दी और ये फिर ये भर्ती किए गए हैं कल।